आजा जना मनी मैं बोलियां जो तू गली गली चीज सुटी पा के तेरी ले लूंगा मैं जुत्ती 40 लाख दी ले लूंगा मैं जुत्ती 40 लाख दी जे तू दवेगी सीने नाल ला के तेरी ले लूंगा मैं जुत्ती 40 लाख दी। भैया आज हम बनाने वाले कीवी मॉकटेल, उसके लिए हमें भैया कुछ चीजों की जरूरत होगी और वो है क्या देखते हैं। हमें चाहिए एक कीवी, ठीक है, अच्छे से एकदम फ्रेश हमें अपनी कीवी चाहिए, एक लेमन, क्वार्टर कप है मिंट लीव्स अच्छे से वॉश किया हुआ है, एक है मेरे पास में सोडा और एक बड़ा सा ग्लास है कांच का, जग टाइप का, आप किसी और मटेरियल का भी ले सकते हो, पाउडर शुगर है मेरे पास में और एक ऐसा भैया डंडा है। ये डंडा किस चीज का है? इसका है, मसाला कूटने के लिए जो होता है, आप बेलन भी ले सकते हो। ओके चलो, अब यह सबसे पहले हमने अपनी कीवी को अच्छे से छील लेना है और अब हमने भैया इसे कट करना है। रफली इसके छोटे छोटे पीसेस हमने इसके कट करने हैं। दैट्स इट भैया, अब हमने इसे कट कर लिए हुए छोटे छोटे पीसेस, अब इसमें अपने बड़े से ग्लास में अब इसमें डाल रहा हूं मिंट लीव्स भी हम अपने साथ में इसमें ऐड कर देते हैं। अब मैं इसका कचुंबर निकालूंगा। जी हाँ, अब हमने इसका कचुंबर निकालना है, निकाल देते हैं फिर अच्छे से। ये देखिए, इसे अच्छे से इसका पल्प निकल गया हुआ है, कितना मस्त एकदम, मैं मतलब आपको कैसे बताऊं। अब भैया हम अपना शुगर का सिरप बनाएंगे, कैसे? पाउडर शुगर लेंगे 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून हम लेंगे वाटर, और भैया ये है मेरा कॉफी मेकर, इसके साथ में अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगा, लगभग 1-1.5 मिनट के अंदर में सिरप तैयार हो जाएगा। आप स्पून के साथ में मिक्स कर सकते हो। अब हमने इसे साइड में रख देना है। चलिए फटाफट फ्रिज में से अब निकालते हैं अपने चिल्ड वाले एकदम ग्लासेस। भैया चिल्ड एकदम मेरे ग्लासेस हैं, आधा घंटा इसमें डीप फ्रिज कर दिया है। अब अपना पल्प को हम डिवाइड कर देते हैं दोनों ग्लासेस में अच्छे से। भैया पल्प डिवाइड होने के बाद में हाफ लेमन एक ग्लास में गया, अब हाफ लेमन दूसरे वाले ग्लास में जाएगा। अब मैं अपनी शुगर सिरप भी हाफ इसमें हाफ इसमें हाफ अपने दूसरे वाले ग्लास में हम डिवाइड कर देंगे। दैट्स इट। अब भैया आइस मैं डालूंगा दोनों ही ग्लासेस में, थोड़ी थोड़ी, 2-2, 3-3 क्यूब। अब इसके अंदर में मैं अपना सोडा डाल के अच्छे से करूंगा मिक्स। अब आप इसे अगर गार्निश करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा है ना। ये देखिए, अब मैं अपने दूसरे क्लास में ऐसे डाल रहा हूँ, दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ ना, मस्त लग रहा है। वाव, कैसा मम्मी? टेस्टी है। मीठा आपके लिए थोड़ा कम डाला है। मेरे लिए गर्द आप डालना चाहते हो इसके अंदर मीठा थोड़ा सा और आप डाल सकते हो, हम लोग थोड़ा कम ही मीठा पीते हैं। एकदम चिल्ड, मतलब मिंट का एकदम फ्लेवर आ रहा है ना। मम्मी का थोड़ा कम है, मेरा ज्यादा है ना। ये तो भैया हो गया मॉकटेल। अब जो लोग कॉकटेल के शौकीन है, यानी कि वोडका वगैरह, हम लोग तो भैया नहीं है वैसे शौकीन, आप चाहो तो आप सोडा थोड़ा सा कम करके आप वोडका उसके अंदर में ऐड कर सकते हो। क्यों मां? क्यों मां क्या बोल रहे हो? हाँ क्या बोल रहे हो, आप पीते हो अब? हाँ नहीं तो वोडका नहीं पीती मैं, ये बाबा है। और क्या था मम्मा? लाइक शेयर और मैं बोल तो देखो करते नहीं है, लाइक शेयर और कमेंट कर दे, कमेंट भी कर देना। हाँ, और सब्सक्राइब मिस्टर बका चैनल। Bye-bye.